ए बीमार हो गए यार। तो पहले मेरी बहन बीमार हो गई थी। मत कर यार। मम्मा। बॉय कम ऑन माय बॉय। शेर थोड़ा पीछे गया। पीछे गया। फिर शेर दौड़ता हुआ आया। सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हो। नया दिन, नई शुरुआत और आपके साथ और फर्स्ट ब्लॉग आज यहाँ पे बन रहा है मेरा सीधा 2023 में स्टूडियो में, मतलब कुछ बड़ा आने वाला है ये। आज मैं फर्स्ट टाइम स्टूडियो आया हूँ अपने भाइयों का, अभिषेक मेरा क्लासमेट, मेरा बचपन का भाई, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ। दिस साइड वागीश भाई। और तुम्हारा गाना नहीं प्ले कर सकता ना यार, कॉपीराइट आकर दोगे तुम तो यार। होगा कि नहीं पता? नहीं। तो इनका भी जस्ट अभी एक न्यू सॉन्ग आया है, गाने का नाम क्या था? अरसों बाद। अभी इनका सॉन्ग आया तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलाऊंगा अभी और इनसे गुवाऊंगा अभी अंदर जाके और शायद मैं भी गाऊंगा। तो अभी जा रहे हैं हम अंदर स्टूडियो के, लेट्स सी कैसा होता है, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मतलब मैं भी बड़ा हूँ। तू गाना कि मैं गाना? तू गाएगा, तेरे को देख के कॉन्फिडेंट नहीं, तुझे देख के तो मोरल डाउन होगा भाई। तुम गाओ, तुम गाओगे तो मेरे कॉन्फिडेंट भी आ जाए, क्या पता। आओ ना यार। नहीं नहीं भाई यार, बाकी सुन मैं कुछ भी गाऊं तो थोड़ा ऑटो ट्यून कर देगा नाल दे नाली? हां हो जाएगा फिर ठीक। टैड फैड यार, लिरिक्स दी प्रॉब्लम हुंदी है मैनु भी ब्रो। एक बात बताऊं फैमिली, मैंने गा चुका यहां पे भाई, कितना डर लगता है, इतना मतलब नर्वस हो जाता ना बंदा वहां बैठ के। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। ये लोग इतना हंसे ना मेरे गाने के बाद, जैसे मैंने गाया ना वो बंदा कहता निकल यहां से भाई, कहता स्टूडियो बदनाम हो रही है भाई जैसे तूने गाया। मैं कहा सॉरी यार, मैं फिर से गाऊंगा अच्छे से गाऊंगा। लेकिन चल भाई अभिषेक, टैड फैड कर दे। मैं भी इतना गंदा गा रहा था तो मैं तेरे तो गंदा गाया। अजी अच्छा गाया था तुमने यार, इदा ना कर यार, मैं सच्ची नर्वस हो जाना। रात रात बढ़ जाने क्यों, ताके घड़ियां सहर के तेरी उल्फत की चादर ओढ़ना चाहे। रिजल्ट ये रहा, सुर्ख रहा है फिर मिली है फिर दिखी है एक रोशनी, डा सही तो है यार। तू मेरा रियल गाना सुनो, मैं कितनी फील नाल गाया, वो फील नहीं आंदी यार वापस। चल मैं अंदर नहीं हूं, तू बाहर खड़ा हूं। चल बाहर तो अच्छी आवाज आ रही है यार। यार जरूरी है माइक से गाना इधर ही गांदा आके लाइव में यार भाई, ये चीजें ना लोग पता है, बड़े लोग चाहते मेरे भी एक था कि अंदर से होता है कैसे सीन है ना, तुम्हें भी नहीं पता था ना। हाँ। तुम चाहते थे ना कि अंदर से जाओ देखो। हाँ। वही चीज फील कर पाऊंगा। या कम ऑन बॉय, कम ऑन माय बॉय। अभी से आकर ये तो सुर्ख रहा है फिर मिली है फिर दिखी है एक रोशनी, दिल की गलियों में फिर बनी है इन वफाओं की मौसिकी। रात रात भर जाने क्यों, ताके घड़ियां सहर की तेरी उल्फत की चादर ओढ़ना चाहे। स्टार्टिंग का सुनावा इसका भी, मेरे 2 सेकंड का सही था, तेरे 5 सेकंड का सही था, बस यही फर्क है। ओए मेरी गल सुन, ये ओरिजिनल प्रोजेक्टर ला दे, मैं लिप सिंक कर दूंगा। मैं ये हवा बेइज्जती करा रहे हो मेरी ऑन कैमरा। तेरे को क्या लगता है मैं ये चीज डालूंगा? ऑब्वियसली बाल डालूंगा। अभी मैं भैया के घर आया हूँ, देखो इधर छोटा सा चूहा। सीट प्लीज प्लीज। ओए क्लारा हागी हागी, किसी का दो। चाचू कौन है? चाचू कहाँ पे? चाचू कहाँ पे? माँ को माँ। हु आई, गलत इंग्लिश मत सीखो बाबू। हु आई एम टू यू, जवाब पूरा दे रहा है यार। व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, कदम मुंह बंद कर। एक बार तेजे जंगल में था, जंगल में अकेला था, उधर से आया शेर ने पूछा तेजस यहाँ पे क्या कर रहा है? तेजस कहता मैं मूंगफली खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? मूंगफली। शेर कहता मुझे अपनी मूंगफलियाँ दे दे, जल्दी 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 मूंगफली दे दे, सब शेर को दे दे वरना खा जाएगा शेर। नहीं दिया। फिर तेजस ने शेर को मना कर दिया कि मैं अपनी मूंगफली नहीं दूंगा। फिर शेर ने पता क्या किया? शेर थोड़ा पीछे गया। फिर शेर दौड़ता हुआ आया, दौड़ता आया, दौड़ता आया, फिर गया तेजस को। ओ भाई यार, टोपी जरा पूछो तक आ गया छोटा शेर आ गया।
यार फैमिली बीमार हो गए यार। लुधियाना में इतनी ज्यादा ठंड है ना क्या बताऊं। ऋषिकेश जाकर ऋषिकेश में इतनी ज्यादा ठंड नहीं है जितनी लुधियाना में है। लुधियाना में ऑलमोस्ट 4 डिग्री तक पहुंच जाता है यार। तो ये तो ऐसी ठंडी की पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब जिसको थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है ना तो वो तो पूरा बीमार हो रहा है। ठंड जिसको जुकाम हो रहा है ना वो पूरा बीमार ही हो रहा है। तो पहले मेरी बहन बीमार हो गई थी, ठीक है, तो वो इसको देखते देखते मैं भी बीमार हो गया यार। तो अभी जा रहे हैं चेकअप के लिए। मेरी बहन तो 3-4 दिन से बीमार थी, शायद इसका टाइफाइड ना हुआ हो यार। मेरी तबीयत कल से ख़राब है, शरीर एकदम वीक वीक सा हो गया यार। तो फैमिली हमारी बुलेट ये रही, तो अभी तक इसको चलाया नहीं ढंग से। इस पर भी एक अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे जब मेरा एकदम माउंट वगैरह सेट हो गया हेलमेट में। जो मेरा माउंट था पहले हेलमेट में टूट गया यार, मेरे भांजा जी ने तोड़ दिया था माउंट। तो उसको पूरा सेट करके दोबारा मैंने मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है। कभी पापा के साथ जाया करूँगा ट्रिप में, कभी मोटर के साथ जाया करूँगा ट्रिप में। पहले उससे पहले ठीक होना जरूरी है। तो बैठ ऐसा लग रहा बिल्कुल जान नहीं है यार। उसको बंद करो। खुश है? खुश है क्या? आप पेट्रोल हो जाता है तो स्टार्ट ना करो इसको। मैं यार रेस मत देना अभी। बॉडी पेन हो रही है भाई, थोड़ा आराम से ना। बॉडी से लगे नहीं हो रही यार। खारिश भी हो रही है? नहीं फिर नहीं, आज ही हुआ है ना। इसमें ना वो दवाई लिख के आते हैं जुकाम वाली, वो खाई मैंने कल, उसकी वजह से मैं भी और हो गया था। मेरी किस्मत इतनी बेकार है ना क्या बताऊँ। पूरा मैगी गिर गया यार, शिट हो गया। सब कुछ साफ कर दिया, अब सबूत किसी को नहीं पता लगेगा, वीडियो में पता लग जाएगा बस। सब दलिया पड़ा हुआ था तो वही खाऊंगा अभी। सेम ब्लॉग नेक्स्ट डे। और गुड मॉर्निंग फैमिली, हैव अ एकदम झकास एंड कल बातचीत वाला डे। फैमिली कल तो बहुत ज्यादा हो गया था, आज थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रही है मेरे को दवाई खाने के बाद। बाकी जुकाम तो अभी तक नहीं गया। मेरे को लगता है ना सिर पे मेरा रेशा जम गया यार, नाक से मेरा भी बीट बज रहा है बीट। क्या करूँ, कोई तो हो मेरा सिर दबाने वाला। मोटो की तबीयत भी थोड़ी सी ठीक हो गई है, और मोटो गई है छत पे धूप लेने, विटामिन डी लेने, जो कि मैं अभी ले रहा था यहाँ बैठे बैठे। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर जाऊँ। मुझे किसी ने कहा था कि अगर अपना जुकाम ठीक करना तो सरसों का तेल नाक में डालो तो ठीक हो जाता है। तो मैंने नाक पे कम अपनी हाई नेक अपनी जैकेट में ज़्यादा डाल दिया। आज मेरे बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत जगह जाना था मैंने आज, बट नहीं जा सका ना जा पाऊँगा जैसे मेरी हालात है। और हाँ फैमिली, मैंने आपको कुछ बताना था, जल्द ही कुछ नया आने वाला है मेरे लिए, काफ़ी नया होगा और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा उस चीज़ को मैं। और अभी मैं क्या ही बताऊँ, अभी पूरा कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म होते मैं आप सबको बताऊँगा, ठीक है फैमिली। सेम ब्लॉग नेक्स्ट डे। मोटी की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही यार। पता नहीं बॉडी पेन, आँख एकदम पता नहीं अजीब सी हो रही है। जैसे लाइट की रोशनी देखता हूँ ना तो और ज़्यादा पेन होने लगता है। और मैंने घर वालों को इतना बोला कि बंद कर दो बंद कर दो, ये जानबूझकर चलाते हैं, जानबूझकर कर दो। इसी बेड पे पड़े पड़े को हमें हो गया 4 दिन। ये मटर छिल रही है, इतना बुरा हाल क्या बताऊँ यार। तो बीमार रहते तो कैसा लगता है, है? देख देख कितना दूर दिखता, देख इतने रखे तो दूर दिखता पागल, 0.5 में ला, देख ले देख ले। मेरे हमेशा कोई भी वीडियो था ना ये आंखें दांत भी खाता रहता। अब मैं यही रखूंगा। मत कर यार। मम्मा हटाओ यार। जब दो मेरा बाल इतना दूर है बॉडी पेन हो रहे ना, मेरे बाल भी इतने ज्यादा। मटर छिले यहाँ पे बैठ के, तू छिले